डिस्क है, ये डिस्क है ठीक है, जिसका मास m है और रेडियस r है। डिस्क से इस डिस्क से मैंने एक स्क्वायर कट करके निकाल दिया, एक स्क्वायर कट किया और इस तरह से कट किया, ये स्क्वायर मैंने कट किया और यहाँ से इसको मैंने हटा दिया, रिमूव्ड कर दिया। चलो तो ये हमने ये जो डिस्क है इससे हमने मास ये जो मास था उसमें हमने हटा दिया। तो अब लोकेट करो सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ कहाँ गया होगा, ऑब्वियसली अब एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकली जो मास है वो रिमूव किए हो तो सेंटर ऑफ मास इधर कहीं गया होगा या इधर कहीं आया होगा, एक्सल में शिफ्ट हुआ होगा। तो ये जो मास रिमूव कर दिया गया उसको मैं m2 मान लेता हूँ और जो एक्चुअल टोटल डिस्क था उसको मैं m1 मान लेता हूँ, जिसका मास mkg हम लोगों को दिया हुआ था। तो एक्चुअल जो सेंटर ऑफ मास अब जो है ये जो डायगनल है ठीक है स्क्वायर का वो r है। तो अगर कोई स्क्वायर है जिसका डायगनल r है तो साइड कितना हो जाएगा, इसकी रेडियस r है, ये डायगनल r है तो साइड आ जाएगा ax है ax, तो साइड आ जाएगा डायरेक्ट लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी r बाई रूट टू। तो r बाई रूट टू का साइड का स्क्वायर हमने निकाल दिया, r बाई रूट टू का साइड का स्क्वायर हमने निकाल दिया। तो अब इसमें जो मास m2 आया वो कैलकुलेट कर लो। तो इसमें जो मास m2 आया, जो m2 की वैल्यू आ जाएगी मास पर यूनिट एरिया, डिस्क की एरिया पाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई ये छोटा एरिया, स्क्वायर की एरिया, स्क्वायर की एरिया पाई, स्क्वायर की एरिया साइड का स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर आर का स्क्वायर बाई टू ठीक है। तो आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को ख़त्म कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि एम अपॉन टू पाई दिस इज द मास एम टू। तो जो रिमेनिंग है उसका मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो अब डायरेक्ट वही फार्मूला लगा दो जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं। तो एक्स सी एम इज इक्वल टू एक्स सी एम, एक्चुअल डिस्क एम वन उसका सेंटर ऑफ मास माइनस है एम टू एक्स टू और डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ मास एम वन प्लस एम टू प्लस एम वन माइनस एम टू, सम करोगे तो ये वाला चीज ठीक है क्लियर है। चलो तो पहले वाला एक्चुअल जो डिस्क था उसका मास एम था और उसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे था तो जीरो माइनस एम टू, एम टू क्या है इसका मास हम लोग कैलकुलेट करके आए हैं एम अपॉन टू पाई, और एक्स टू क्या है जो स्क्वायर है जो छोटा मास है उसके सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा यार, तो इस स्क्वायर का जो सेंटर ऑफ मास है उसके सेंटर पे आता है तो ये आर बाई टू पर आ जाएगा, आर बाई टू पे, तो आर बाई टू पे माइनस आर बाई टू, क्योंकि मैं साइन के साथ देखना चाह रहा हूँ माइनस आर बाई टू, यहाँ से माइनस आर बाई टू है तो ये माइनस आर बाई टू और ये आ जाएगा मास m और माइनस m अपान टू पाई, तो m अपान टू पाई ये फाइनली कैलकुलेट कर लो यही मुझे सोल्यूशन देगा ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा ऊपर में m r और डिवाइडेड बाई टू टू ये आ जाएगा फोर पाई मल्टीप्लाइड बाई ये टू पाई माइनस वन और एम और ये टू पाई ऊपर चला गया ठीक है। तो फाइनली जो है वो मुझे मिला पाई ने पाई को ख़त्म कर दिया ठीक है और ये टू ने टू को ख़त्म टू टाइम्स, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग आया होगा वो आ जाएगा एम ने एम को भी ख़त्म कर दिया, एम ने एम को मतलब आर अपान टू पाई माइनस वन और मल्टीप्लाइड बाई टू जो कि हमेशा पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्क्वायर का जो सेंटर ऑफ मास है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ से इधर प्लस में शिफ्ट हुआ होगा ठीक है।